हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, और दोस्तों इस स्टॉक ने हमें अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। हालांकि आजकल इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, पिछले वन मंथ की बात करें इसका प्राइस या ग्राफ का, तो यहाँ पे हमें 4% के अप्रोक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे पिछले 6 मंथ का इसका प्राइस या ग्राफ का, तो पिछले 6 मंथ में यहाँ पे 17 से 18% के अप्रोक्स में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें पिछले 1 साल का इसका प्राइस या ग्राफ का, तो यहाँ पर भी पिछले 1 साल में यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर के इसका प्राइस या ग्राफ का, तो यहाँ पे 120% के काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सबसे अधिक दिनों में इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 680% से एबव का मुनाफा दिया है इस स्टॉक ने, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस हमें ओनली 600 से 700 रुपये के आसपास में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोग वीडियो बनाकर डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका प्राइस हमें 1300 रुपये के क्रॉस करके काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिला, और वहाँ से इस स्टॉक में अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। हालांकि आजकल एंटायर आईटी सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा अभी तक गिरावट शो किया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा हूँ HCL टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। स्टॉक अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे खरीदारी होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो 60% से एबव का डीएपी का पोजीशन देखने को मिल रहा है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात करेंगे इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो स्टॉक ओनली 870 रुपये के आसपास में हमें इस साल ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हालांकि इसका हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले साल यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इस स्टॉक ने हाई शो किया था, और यहाँ से अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से दोस्तों इस स्टॉक ने गिरावट शो किया है। तो हमें एवरी गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए, स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2 रुपये देखने को मिल रहा है, जो कि बात करेंगे इसका क्वार्टर का रिजल्ट का, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर भी शो किया है, जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे डिविडेंड का, तो यहाँ पे इस साल कंपनी ने अभी तक 3 बार डिविडेंड दिया है, जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि बात करें इस स्टॉक में क्या प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है, तो यहाँ पे हमें कोई प्रमोटर का शेयर दोस्तों यहाँ पे प्लेस हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो, फ्यूचर में फिर से इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें पिछले साल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में इस साल थोड़ा सा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, उससे पहले बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे डेप्थ थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का दोस्तों, तो यहाँ पे 62 करोड़ के आसपास का यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है, यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि पिछले साल के अकॉर्डिंग फिक्स एसेट में यहाँ पे थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला है। और दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का मार्केट है कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे दोस्तों 260,000 के अप्रोक्स का फिगर है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों यहाँ पे करोड़ों में है। हालांकि बात करेंगे सेक्टर के पीरियड का दोस्तों, हालांकि दोस्तों यहाँ पे सेक्टर के पीरियड में
29 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे इस स्टॉक का प्रीशियो का, तो यहाँ पे 19 के अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों जो इसका प्राइस है वो भी काफी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग इसके ऊपर फोकस बना के रख सकते हो, फ्यूचर के लिए स्टॉक अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे इसका रेवेन्यू के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जिस तरीके से इसका हमें रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है आप लोग के सामने में, यहाँ पे देख सकते हो इस साल का सबसे हाईएस्ट है। और पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी काफी इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे रेवेन्यू का फिगर अभी तक शो किया है। हालांकि बात करेंगे नेट प्रॉफिट रिगार्डिंग दोस्तों, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का ग्राफ भी इस साल का सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 ईयर का यहाँ पे ग्राफ है, एवरी ईयर कंपनी काफी इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक यहाँ पे शो किया है। और दोस्तों बात करेंगे सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी ने कितना सेल्स का फिगर शो किया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है ये भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग है। पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जून क्वार्टर में काफी इंक्रीमेंट के साथ में हमें सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें इस स्टॉक में FII की होल्डिंग है, DII की होल्डिंग है, उससे पहले बात करेंगे प्रमोटर का, तो यहाँ पे 60% के आसपास का यहाँ पे भी हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि FII की बात करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। और यहाँ पे DII का होल्डिंग भी काफी अच्छा खासा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 6% के अप्रोक्सीमेट हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अपने आप में काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। स्टॉक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 860 रुपए के अप्रोक्सीमेट आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, स्टॉक अपने आप में काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।